वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीजीएम। मेरी पहली वीडियो में मैंने फिजिक्स का चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है उसको भी बताया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को चैप्टर 2 को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। अब बीमा को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। मूल भौतिक राशि कौन कौन से होते हैं ये आपको पहले जानना जरूरी है। मूल भौतिक राशि में सबसे पहले एम फॉर मास, देखिए ध्यान से एम फॉर मास। इसके बाद एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, ए एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रा के रूप में लिया जाता है, केल्विन टेम्परेचर के लिए भी प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के विमा को प्रदर्शित करने के लिए ये एम के घात एक्स स्मॉल ए ले लेते हैं, एल के घात बी ले लेते हैं, टी के घात सी ले लेते हैं, ए के घात डी ले लेते हैं और के घात ई। यानी कि यह जनरल तरीके से हम देखें तो कोई भी भौतिक राशि को इसी प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, एम के घात ए, एल के घात बी, टी घात सी, ए के घात डी और के घात ई। कैपिटल ब्रैकेट में विमा को हम प्रदर्शित करते हैं। चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन में, ये पार्ट 1 में हम क्या प्रदर्शित करने जा रहे हैं, अब आपको यह चीज़ देखना है। देखिए, मूल भौतिक राशि के संयोग से जो भी भौतिक राशि बनती है उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक, व्युत्पन्न भौतिक राशि में पहला व्युत्पन्न भौतिक राशि है क्षेत्रफल, ए फॉर एरिया। ठीक, ए फॉर एरिया। इसका सूत्र क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हम इस्तेमाल करेंगे, लेंथ को मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र की बात करें तो हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ये भी हम आपको देख बताते हैं। मास ये केजी में होता है, एमकेएस पद्धति की अगर बात करें तो, लेंथ मीटर में प्रदर्शित करेंगे, टाइम हम सेकंड में प्रदर्शित करेंगे, एम्पियर सीधे सीधे ए फॉर एम्पियर के रूप में प्रदर्शित करेंगे, के फॉर केल्विन के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, एम्पियर ए फॉर ए एम्पी करके प्रदर्शित करेंगे, के फॉर केल्विन डायरेक्ट हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो ये सब हो गया मूल भौतिक राशि और उसके मात्रक। चलिए हम देखते हैं इसी के आगे इसको किस प्रकार से हम यूटिलाइज करते हैं। मीटर के पावर 2, मीटर यहाँ पर क्या है, लेंथ है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, मीटर यहाँ पर लेंथ है, तो ये हो गया आपका लेंथ के पावर हो जाएगा 2। ठीक, लेंथ के पावर 2। अब बात करें हम आयतन की, आयतन को वॉल्यूम V से प्रदर्शित करेंगे। फार्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, अब इसका मात्रक की बात करें तो लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, ये मीटर में, इंटू हाइट भी मीटर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीटर की पावर है 3। मीटर क्या है, लेंथ है ये, तो ये हो जाएगा लेंथ के पावर 3। अब बात करें वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक, अब इन दोनों का वेग को भी स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, चाल को भी हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, बस थोड़ा अंतर है यहाँ पर, लेकिन इसका मात्रक और विमीय सूत्र एक जैसा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अथवा दूरी को हम तो मीटर में ही तो नापेंगे। ठीक, तो ये ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो क्या होगा, समय सेकंड, तो वेग अथवा चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। अब इसका विमीय सूत्र की बात करें तो मीटर यहाँ पर एल फॉर लेंथ हो गया, सेकंड टी फॉर टाइम हो गया। इस प्रकार से हमें मिला एल टी रेस्ट पावर माइनस 1। ठीक, तो एल टी रेस्ट पावर माइनस 1। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम एम के पावर 0, एल के पावर 1
टी के पावर माइनस वन के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। एम एल टी सभी डिजिट को, सभी स्टेप को हम रखेंगे, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। इस सिंपल फॉर्म में हम बात करें तो ये इसको अटेंड बार बार हम इसी त्वरण को एक्सेलरेशन ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, या एक सदिश राशि है। फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, डेल्टा वी बाई टी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब इसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसके मात्रक के लिए मात्रक को भी हम देखना चाहते हैं, तो वेग क्या फार्मूला क्या होता है उसी हिसाब से मात्रक भी हम देख लेंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक। अब फिर से नीचे एक और सेकंड आ रहा है तो हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। इसी के आधार पर हम विमा की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, तो मीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया, मीटर लेंथ में ही तो होगा। अब इसके बाद में टी फॉर टाइम, टाइम के फॉर टू। अब इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, एल टी रेस्ट टू द पावर माइनस टू, ठीक। अब इसके बाद में बल की बात करें, बल फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मात्रक की बात करें एम के एस पद्धति में तो मास ये केजी में हो जाएगा। अब इसके बाद में एक्सेलरेशन की बात करें तो ये सामने से उठा लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो पूरा बल का मात्रक क्या होगा एम के एस पद्धति में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, एक न्यूटन बराबर एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल में इसका बहुत कायदे से इस्तेमाल हम करने वाले हैं, याद रखिएगा एक न्यूटन इक्वल टू एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके आगे विमा की बात करें तो ऊपर देख लीजिए ये केजी मतलब मास, मीटर मीन्स लेंथ और सेकेंड मीन्स टी के पावर टू। इसी टी के पावर टू को हम ऊपर की ओर पहुंचा देते तो यही चीज़ ऊपर जा कर के क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, ये हो गया एम एल टी रेस टू द पावर माइनस टू। थोड़ी सी कमी है जगह की, उस हिसाब से हम एडजस्ट भी कर दिए, खैर कोई बात नहीं। कार्य वर्ग का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, यह एक अदिश राशि है, बल सदिश राशि थी, यह एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्स का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन है तो मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, चलिए ठीक। अब आगे बढ़ते हैं विमीय सूत्र में, केजी है तो हम क्या देखेंगे, मास, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर एल के पावर टू, नीचे सेकेंड पावर टू और ऊपर पहुंचा दो डायरेक्ट टी की घात माइनस टू हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं शक्ति, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब ऊपर से कार्य को हम उठा लेते हैं तो कार्य का फॉर्मूला क्या, मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लिख देते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, और नीचे टाइम आ रहा है तो नीचे टाइम आ रहा है तो एक और नीचे सेकंड आ जाएगा, ठीक। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, केजी है तो मास है, मीटर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर और सेकंड सेकंड पावर थ्री, नीचे से ऊपर पहुंचाओ टाइम का माइनस थ्री रेशियो हो जाएगा, ठीक। अब इस इन सब बातों को डायरेक्ट स्टेप में भी हम उठा सकते हैं। अब ये चीज़ देखिए ध्यान से जरा, घनत्व का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जैसा आप जानते हैं, ठीक। इसी आधार पर विमा की बात करें तो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान है किलोग्राम है
तो ये हो जाएगा आपका मास किलोग्राम, आयतन वी फॉर वॉल्यूम, मीटर क्यूब लेंथ के पावर 3 नीचे है बटे के नीचे, तो ऊपर ले जाओगे एल पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं संवेग मोमेंट की, बात करते हैं स्मॉल पी से हम प्रदर्शित करते हैं, घनत्व को डेंसिटी से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पर रो से भी प्रदर्शित करते हैं, घनत्व को संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल में। द्रव्यमान गुणा वेग फार्मूला हो गया इसका संवेग का। अब इसका मात्रक देखो, द्रव्यमान ये केजी में आ जाएगा, वेग है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसका डायमेंशन जरा देख लेते हैं, केजी है तो मास, मीटर है तो लेंथ, नीचे टाइम है ऊपर माइनस वन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, गति ऊर्जा में हाफ एम स्क्वायर में हाफ भौतिक राशि तो है नहीं, तो इसके हम विमा नहीं लिखेंगे। अब बात आती है एम स्क्वायर में, एम मास है तो मास है तो इसका मास का क्या होगा, ये केजी। ठीक, ये केजी, वेग मीटर पर सेकेंड होता है तो दोनों को मिला लो तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इस आधार पर डायमेंशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, केजी है तो मास है, मीटर का पावर 2 है तो एल के पावर 2, सेकेंड पावर 2 ऊपर ले जाओ टी के पावर हो जाएगा माइनस 2। इसी प्रकार से गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है एम जी एच, कैपिटल यू से हम फार्मूला को डिफाइन कर डिनोट करते हैं एम जी एच, एम मास है तो ये हो जाएगा केजी में, ग्रेविटेशनल ये ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, हाइट है तो मीटर में नापेंगे, तो पूरा फार्मूला क्या हो गया, मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन की बात करें तो ये हो गया मास केजी, मीटर स्क्वायर एल पावर 2, और नीचे सेकंड पावर 2 ऊपर पहुंचा दो टी के पावर हो जाएगा माइनस 2। फटाफट अब आगे देखते हैं दाब, पी फॉर प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, इसका फार्मूला भी डेफिनेशन भी तो हम इसी प्रकार से देते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, बल फोर्स है, एरिया क्षेत्रफल हो गया, बल का हम मात्रक निकाल चुके हैं, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि न्यूटन होता है, तो डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल कर लें, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और नीचे देखो बटे के नीचे क्या है, एक बटे क्षेत्रफल, तो नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर कर लो, तो इसमें मीटर से एक मीटर काट दो। अब इस आधार पर मात्रक क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। ठीक, अब इसका डायमेंशन की बात करें तो केजी है तो ये हो जाएगा मास, मीटर हो जाएगा तो एल, नीचे से ऊपर ले जाओगे माइनस वन, सेकेंड टाइम टी के पावर 2 ऊपर ले जाओगे तो माइनस 2। तो डायमेंशन प्रेशर का क्या हो गया, एम एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस 2। अब बात करते हैं आवेग इंपल्स की, बात करते हैं बल गुणा समय। ठीक, बल का तो आपको मात्रक पहले ही से पता है, यहीं से आपको दिखाई पड़ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक और समय आ रहा है जो कि सेकंड में लिखेंगे, सेकंड से एक पावर वाला कैंसिल हो गया। अब आवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इस आधार पर हम डायमेंशन की बात करें तो केजी है तो मास, मीटर है तो ये देखिए ध्यान से लेंथ, नीचे समय है टाइम है, ऊपर टी के पावर हो जाएगा माइनस 2। अब बल आघूर्ण टॉर्क भी कहते हैं इसको, फार्मूला क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक फिर से दोबारा हम यहीं से उठा के देख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का
स्क्वायर इंटू दूरी है तो मीटर, तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन की बात करें तो केजी है तो मास हो जाएगा, मीटर मीटर लेंथ, लेंथ के पावर 2 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर लेंथ पावर 2, नीचे टी के पावर 2 तो ऊपर आ जाएगा टी के पावर माइनस 2। ठीक, अब इसके बाद प्रतिबल, जो दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल का भी वही फार्मूला होता है एज इट इज सेम, यानी कि इसको शॉर्टकट तरीके से देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रदर्शित करते हैं। इसका एक और मात्रक होता है पी फॉर पास्कल, पी ए पास्कल के नाम से जानते हैं, क्योंकि दाब का हम निकाल चुके हैं और बल बटे क्षेत्रफल भी एक तरह से दाब ही होता है, तो क्यों नहीं हम इसको डायरेक्ट स्टेप में लिख लें। तो ये मिल जाएगा हमें एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। अब बात करते हैं विकृति, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक, अब इस आधार पर लंबाई में वृद्धि हो मीटर में ही तो नापेंगे और प्रारंभिक लंबाई हो उसको भी मीटर में नापेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यह एक मात्रकहीन भौतिक राशि है। तो मात्रकहीन भौतिक राशि है, इस आधार पर इसके डायमेंशन की बात करें तो मीटर है तो लेंथ, और फिर से मीटर है तो नीचे लेंथ, तो मीन्स इसको लिखना चाहें तो एल के पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि मात्रकहीन भौतिक राशि है। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, जिसका फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। देखिए प्रतिबल और विकृति दोनों मान हम ज्ञात कर चुके हैं, अब इसका फार्मूला के आधार पर देखें तो न्यूटन मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति का तो मात्रक होता नहीं है, तो इस प्रकार से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा, तो इसका विमीय सूत्र भी होगा क्या चीज़, ये एम एल के पावर माइनस 1 और टी के पावर माइनस 2। बहुत सिंपल बात सामने आ रही है कि दाब का, इसके बाद प्रतिबल का और इसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक का, इन तीनों का एक ही भौतिक राशि एक ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र भी एक ही होता है एम एल के घात माइनस 1 टी घात माइनस 2। एक याद हो जाने से तीनों का फार्मूला एक ही आधार पर निर्धारित कर लिया जाता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए एक फार्मूला होता है, जब M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड r दूरी पर हों तब उनके बीच एक बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो न्यूटन के नियम के आधार पर निर्धारित होता है F प्रोपोर्शनल टू ये M1 M2 अपॉन r का स्क्वायर। ये हाई स्कूल में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में सॉरी। इस आधार पर हम क्या देखते हैं, F इक्वल टू कैपिटल जी M1 इंटू M2 अपॉन r का स्क्वायर। इस आधार पर कैपिटल जी इक्वल टू मिलेगा हमें F इंटू r का स्क्वायर अपॉन ये F इंटू r का स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। ये देखिए यहाँ पर हमें मिला ये बल, देखिए बल इंटू दूरी का वर्ग द्रव्यमान और द्रव्यमान। इस आधार पर मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम और इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक, अब न्यूटन एक प्रकार से हम बल कहेंगे, तो इसका डायरेक्ट विमीय सूत्र लिखने की बात करें तो न्यूटन बल है तो बल का विमीय सूत्र एम एल टी के पावर माइनस 2, मीटर स्क्वायर एल के पावर ये 2, और इसके बाद में केजी है तो मास एक और हम ले लेते हैं मास। अब इस आधार पर हम एक लाइन में क्या लिखेंगे, एम के पावर माइनस 1, एल के पावर ये 3, और टी के घात हो जाएगा ये माइनस 2। ये चीज़ देखिए एम के पावर माइनस 1, क्योंकि एक एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, नीचे से ऊपर पहुंचाओगे तो एम के पावर यही वाला माइनस 1 होगा, एल के पावर 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएगा, और टी के पावर माइनस 2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन एस या टी से भी प्रदर्शित करते हैं, एस या
टी से भी हम प्रदर्शित करते हैं सरफेस टेंशन को, फोर्स है और ये लंबाई है। अब इस आधार पर मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो न्यूटन है तो बल का विमीय सूत्र लिख लेते हैं, एम एल टी की घात माइनस टू अपॉन मीटर है तो ये एल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल कर लोगे तो हमें मिलेगा एम टी की घात माइनस टू, एम टी की घात माइनस टू। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि ये फार्मूला रखता है बल बटे द्रव्यमान, ठीक। अब इस आधार पर विमा की मात्रा की बात करें तो न्यूटन पर केजी, ठीक। अब इस आधार पर विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए ध्यान से, न्यूटन है तो बल है तो बल का विमीय सूत्र डायरेक्ट रख लेते हैं, एम एल टी की घात माइनस टू अपॉन केजी मास है तो एम फॉर मास रख देते हैं। इस आधार पर मेरा वास्तविक फार्मूला क्या निकल के आता है, विमीय सूत्र जिसे कहते हैं, एल टी के पावर माइनस टू। यह एक्सेलरेशन मींस त्वरण ए का भी विमीय सूत्र होता है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय विभव जिसका फार्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो मात्रा की बात पहले करें तो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अब इस आधार पर विमा की बात करें, जूल है तो स्वाभाविक है, कार होगा तो कार का विमीय सूत्र एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू हम रख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं केजी एम फॉर मास, या नीचे केजी एम फॉर मास, एम से एम काट दो तो हमें मिलेगा एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू। अब इसके बाद स्प्रिंग का बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं के से प्रदर्शित करते हैं, आरोपित बल बटे लंबाई। इस आधार पर मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन मीन्स, अब यहाँ पर जरा देख लीजिए ध्यान से, बल बल है तो बल का विमीय सूत्र लिख देते हैं, एम एल टी के पावर माइनस टू अपॉन मीटर है तो लेंथ, एल से एल कैंसिल तो सीधे सीधे हमें मिल जाएगा एम टी के पावर माइनस टू। तुरंत अब आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति को एन से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं तो फ्रीक्वेंसी से भी, एफ से भी हम प्रदर्शित करते हैं फ्रीक्वेंसी, एक बटे आवर्तकाल मीन्स टाइम टी। इस आधार पर मात्रा की बात करें तो एक बटे सेकेंड साइकिल पर सेकेंड, इसका हर्ट्स भी मात्रक होता है, एक बटे सेकेंड कह सकते हैं। अब इस ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसी आधार पर हम इसकी विमा को भी लिखेंगे, एक बटे सेकेंड मतलब वन बाई टाइम टी मीन्स टी के पावर हो जाएगा माइनस वन, यानी कि आवृत्ति की विमा हो गई टी के पावर माइनस वन। अब कोण रेडियन में अगर हो तो फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, सर्किल के लिए आर्क होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, आर्क लेंथ मीटर में होगा, रेडियस भी मीटर में होगा, मीटर से मीटर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कैंसिल हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण भी एक विमाहीन भौतिक राशि है और इसका मात्रक यह कोई भी चीज़ नहीं है, रेडियन में जरूर प्रदर्शित करते हैं या डिग्री में भी प्रदर्शित करते हैं, रेडियन में मीटर में। तो मीटर में करेंगे तो लेंथ हो गया, यह भी हो गया आपका लेंथ मीन्स विमा के रूप में दिखाना ही हो तो एल के पावर टू दिखा सकते हैं, यानी कि या इसका कोई विमा नहीं होती है। आज मैंने इस प्रकार से क्या देखा कि टोटल 24 भौतिक राशि के विमीय सूत्र और मात्रक को प्रदर्शित किया है। ये मात्रक और भौतिक राशि जैसे जैसे हम चैप्टर एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे, हर चैप्टर में इनके मात्रक की आवश्यकता होगी। जिनको इन फार्मूले के विषय में जानकारी नहीं होती है थोड़ा कष्ट जरूर होता है आगे। आज के लिए इतना ही, इसके रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।